सो हेलो एवरी वन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैज पाथवे, जो कि एक एपोप्टोटिक पाथवे है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परफोरिन ग्रेंजाइम पाथवे के बारे में डिस्कस किया था। इफ़ यू हैवन वॉच्ड इट येट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फैज पाथवे के अंदर आपके पास दो सेल्स होते हैं, यहाँ पे दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका सिग्नलिंग सेल, जो कि है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल। अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, उसके ऊपर फैज लीगेंड प्रेजेंट होता है। और जो हमारा दूसरा टारगेट सेल है, टारगेट सेल यानी कि जो आपका इन्फेक्टेड सेल हो सकता है, जो कि कैंसरस सेल है या फिर जो वायरस से इन्फेक्टेड है, कोई भी जो सेल आपका टारगेट सेल है जिसको किल करना है, दैट इज़ द टारगेट सेल। सो टारगेट सेल के ऊपर फैज रिसेप्टर होता है। अब ये जो फैज लीगेंट है और ये जो रिसेप्टर है, इनकी बाइंडिंग होती है। सो इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर बाइंडिंग हो जाती है। और जब इनकी बाइंडिंग होती है तो एपोप्टोटिक सिग्नल भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाती है। सो यहाँ पर हमारे पास है साइटोटॉक्सिक टी सेल, और दूसरी साइड हमारे पास है पिंक वाला, दिस इज़ आर इन्फेक्टेड सेल। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो फैज लीगेंट है और जो फैज रिसेप्टर है, उनकी बाइंडिंग होती है। जब बाइंडिंग होती है उसके बाद, यहाँ पे जो फैज रिसेप्टर है, इसके यहाँ पर नीचे, अगर हम इसके नीचे देखें तो दिस ग्रीन पार्ट इज़ द डेथ डोमेन रीजन। सो आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ द फैज लिगेंड विद द फैज रिसेप्टर, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है FATD फैड का, विच इज़ अडाप्टर मॉलिक्यूल, एंड इसकी फुल फॉर्म होती है फैट एसोसिएटेड प्रोटीन विथ डेथ डोमेन। सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FATD, विच इज़ अडाप्टर मॉलिक्यूल। सो अब ये यहाँ पर बाइंड होगा FADD की रिक्रूटमेंट के बाद। आफ्टर इट्स बाइंडिंग द डेथ डोमेन के साथ, जब वो बाइंड हो जाएगा, उसके बाद देर विल बी द रिक्रूटमेंट ऑफ द कैसपेज 8। सो पहले प्रो कैसपेज 8 होता है। प्रो कैसपेज 8 जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। सो इनएक्टिव फॉर्म से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ कैसपेज 8। कैसपेज 8 इज़ द एक्टिव फॉर्म। सो आफ्टर द फैट बाइंडिंग, यहाँ पर किसका रिक्रूटमेंट हुआ, प्रो कैसपेज 8 का, फिर वो एक्टिवेट हो गया, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, विच इज़ कैसपेज 8। अब ये जो कैसपेज 8 है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, इनएक्टिव प्रो कैसपेज 3 के ऊपर एक्ट करेगा। एंड ये किस में फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ कैसपेज 3। और कैसपेज 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्या करता है, इट एक्टिवेट्स दी एपोप्टोटिक सबस्ट्रेट्स, उनको एक्टिवेट करेगा, एंड फाइनली हमारा अपोप्टोसिस का प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी और वो जो हमारा टारगेट सेल था उसकी डेथ हो जाएगी। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.